हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूँ नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी वेबसाइट से अगर हमको डेटा अपने एक्सेल पे ले जाना हो तो वो कैसे ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अमेजन की एक वेबसाइट खुली हुई है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ये लैपटॉप के नाम है, ये उसका प्राइस है, फिर अगला लैपटॉप है उसका प्राइस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं लैपटॉप के नाम और उसके प्राइस आ रहे हैं। इनको हम एक्सेल सीट पे ले जाना चाहते हैं कि एक कॉलम में हमारे लैपटॉप के नाम आ जाएं और दूसरे कॉलम में उनका प्राइस आ जाए। तो इस तरीके से अगर लाना है तो हम एक एक कॉपी करके अगर वहाँ ले जाएंगे तो ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेल पे जैसे इस जगह पे मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नाम आ जाए और इस कॉलम में उसके प्राइजेज आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर बना के रखा है और इसी को आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ जो लोड बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करता हूँ ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पे उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अभी आने लगेगा। ये देखिए ये उसका जो है नाम आ गया, अब देन इसका ये प्राइस आ गया। ये चीज़ जो है देखिए स्टार्ट हो गई है और ये देखिए लास्ट तक इसने जो है जो भी है डेटा वो वेबसाइट से लेके एक्सेल पे ला दिया है। पूरा डेटा लोड होने के बाद मैसेज आया था डेटा इज लोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे और ये देखिए लास्ट तक हमारे पास डेटा पूरा अवेलेबल है। अब ये चीज़ अगर हम कॉपी पेस्ट करते तो बहुत टाइम लगता, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए इसे सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं एक्सेल सीट पे और यहाँ पर एक्सेल सीट में इसका कोड ओपन करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेल में हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कोड करना है तो कोड यहाँ पे मॉड्यूल्स में होते हैं, तो हम एक मॉड्यूल यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने एक मॉड्यूल यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें कोड करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से कोड लिखेंगे सब, और एक हम यहाँ पे सब रूटीन बना लेंगे। सब रूटीन मतलब आप फंक्शन समझ सकते हैं, फंक्शन का मतलब कुछ काम करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उन्हें फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ले देते हैं लोड वेबसाइट, ये हम यहाँ पे एक सब रूटीन फंक्शन बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इन सब लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, वेरिएबल्स मतलब कि जिनसे हमको कुछ काम करना है उनको हमको स्टोर करके कहीं रखना होगा तो उनके लिए कुछ वेरिएबल ले लेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे डिम करके लेते हैं, तो डिम एक इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए IE ले लेते हैं और इसे हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक वेरिएबल और हम ले लेते हैं, इसको हम प्रोडक्ट नेम के लिए ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम एज ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस का, प्रोडक्ट प्राइस इसको भी हम एज ए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पर एक लेते हैं इंटीजर टाइप का वैल्यू, यानी उसमें नंबर्स रहेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलाने के लिए हमें, तो बिम आई एज इंटीजर इस तरीके से हमने कुछ वेरिएबल ले लिए। अब जो आई यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसपे हमारे सब वेब पेजेस ओपन होते हैं उस पर हमें जो है ओपन करने के लिए यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट IE इक्वल्स क्रिएट ऑब्जेक्ट, और क्रिएट ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पास कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट एप्लीकेशन। ये कोड हमारा वर्क तभी करेगा जब कुछ रेफरेंसेस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल्स पे जाते हैं और ये रेफरेंस पे आते हैं। तो रेफरेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इसमें हमें ढूंढना है एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की लाइब्रेरी ढूंढनी है और दूसरी HTML, क्योंकि जो वेब पेज होता है वो HTML पे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पर हमको ये डेटा मतलब ये लाइब्रेरी मिलती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट में ही कुछ मिलेगा हमें। ये हमारे पास ये देखिए ये मिला माइक्रोसॉफ्ट HTML ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, एक इसको हमें यूज करना है और दूसरा हमें ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल, ये दो लाइब्रेरी यहाँ पे हमें यूज करनी है, ओके कर देंगे। यानी कि ये हमारा वर्क तभी करेगा जब ये लाइब्रेरी हमारे पास होंगी, तो हमने इनको ऐड कर लिया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको ब्राउजर तो दिखाना नहीं है, तो हम इसकी विजिबिलिटी यानी कि आई की विजिबिलिटी को फॉल्स कर देते हैं, और इसके बाद इसको हमको कहाँ पे मतलब इस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमको कौन सा पेज ओपन करना है, तो इस पे हम बता देंगे कि नेविगेट, और यहाँ पे डबल क्वोट्स के अंदर वो पाथ हम बता देंगे जहाँ पर हमारा वेब पेज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना वेब पेज हम ओपन कर लेंगे, और जैसे ये वाला पाथ था इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे और इस डबल क्वोट्स के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे, यानी इस वेब पेज से हमें डेटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस डेटा के बाद हमको हेडिंग बनानी है, तो हम सबसे पहले जो हमारे पास सेल है उसका जो डेटा है, सेल का जो हमारे पास डेटा होगा यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या लिख के आ जाए, प्रोडक्ट नेम लिख के आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे जो सेल्स का हमारा फर्स्ट रो का जो सेकेंड कॉलम है वहां पर प्राइस लिख के आ जाए, तो यहां पर हम इसे प्राइस कर देंगे। अब इतना करने का ये हमारा सेट हो गया, यहाँ पे हेडिंग ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल शीट पे आ जाएगी। अब हमें कुछ काम करना है, तो काम के लिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी कि एक के बाद एक हमको कई प्रोडक्ट पे जाना होगा, तो इसके लिए हमें लूप का यूज करना है। तो यहाँ पर आकर हम एक लूप लगाएंगे, तो यहाँ पे हम डू मतलब कुछ काम करना है तो डू लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डू इवेंट सेट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम कर देंगे लूप अनटिल ie.रेडी स्टेट, मतलब कि लूप तब तक हमारा चलता रहे जब तक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर रेडी स्टेट में ना आ जाए, तो इसका कोड होता है 4, तो यहाँ पर हम 4 दे देंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे अगर कोई इरर आती है, मतलब वेबसाइट ओपन होने में अगर कोई इरर आती है, तो हम यहाँ पे ऑन इरर रिज्यूम इसको रिज्यूम कर देंगे और कह देंगे आगे बढ़ जाए यानी कि नेक्स्ट हो जाए, तो इस तरीके से ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको एक वेरिएबल और लेना है, तो वो वेरिएबल किस चीज़ के लिए है, वो वेरिएबल है वेब पेज के लिए, तो हम यहाँ पर इसमें कह देते हैं माई वेब पेज, तो जो यहाँ पर माई वेब पेज है इसको हम ले लेंगे एज HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है, तो HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम इसे ले लेंगे। उसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे, कैसे सेट करेंगे, माई वेब पेज इक्वल्स IE जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का डॉक्यूमेंट था ये इस डॉक्यूमेंट से सेट हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस तरीके से, अब सही है। तो यहाँ पे इस तरह लेने के बाद अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार हमको लूप चलाना है, तो फॉर लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, आईक्वल 0 से लेके अब जितने भी पेज हो हम मैक्सिमम 50 तक चला लेते हैं, तो यहाँ पे 50 तक चलाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट नेम है उसमें लेके आना है वेब से वो प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है इसको किस तरीके से हम लाएंगे, तो ये जरा यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेट प्रोडक्ट नेम, हमने वेरिएबल जिस नाम से जैसे हमने बनाए देते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमने इस जगह पे जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से इसे हम देंगे, प्रोडक्ट नेम इक्वल अब कहाँ पे है, माई वेब पेज पे है वो, तो इसको हम कहेंगे गेट एलिमेंट बाई CSS नेम, हम CSS के नाम से इसको कंटेंट को हम निकालेंगे कि ये क्या है, तो इसको पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए हम आते हैं अपने वेब पेज पे, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखें नीचे एक विंडो ओपन होके आ जाएगी, और ये चीज़ जो है यहाँ पर हमको बता देगा कि इसका जो है ये क्लास क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास क्लास दिख रही है, ये लिंक नॉर्मल करके एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो भी क्लास है ये यहाँ पे क्लिक करके हम ऐसे भी इसे देख सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ये वाली क्लास आ रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे हम कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम वापस आते हैं अपनी एक्सेल सीट के कोड पे और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा जो है कोड पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका हमको कौन सा चाहिए, इसका आइटम हमें चाहिए। अब इस तरीके से बहुत सारे जो है आइटम हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये भी इसका डिज़ाइन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको हम सर्च करके दिखाते हैं कि अगर हम कंट्रोल एफ करें यहाँ पे करें तो ये देखिए 24 आइटम्स हैं इस तरीके के। तो इसमें 24 में से कौन सा, ये पहला आइटम है, ये हमको पहला आइटम चाहिए। तो इस चीज़ को हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये हमें चाहिए आई आइटम, आई में पहला आइटम है तो ये आई आइटम चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं आई को 0 से स्टार्ट, क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट होगा, मतलब पहला आइटम 0 इंडेक्स पे है। इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये आइटम आ गया, अब इसको हमको सेल में ले जाना, एक्सेल में। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे सेल्स इन द ब्रैकेट आई प्लस 2, यानी कि पहले में तो हमारा प्रोडक्ट का नाम आ गया था, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो प्रोडक्ट वेब से आ रहा है उसको हम लाएंगे कॉमा 1, यानी कि सेकेंड रो का जो पहला आइटम होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स, अब वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम का पी कैपिटल है तो यहाँ पे पी कैपिटल ही रहेगा, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हम कहते हैं डॉट इनर टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये तो हो गया वैल्यू स्टोर करने का। अब हमें रेट भी लेना है, तो रेट लेने के लिए क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे सेट प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस, दूसरा वेरिएबल हमारा प्रोडक्ट प्राइस था, इसको ले लेंगे, और अगेन जो टोटल हमारे पास कोड यहाँ वाला था इसी को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो अब हमको सिर्फ ये चेंज करना है, प्राइस के लिए ये वाला कोड हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम फिर से आ जाएंगे अपने कोड पे और इस प्राइस को देख लेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा पास एक बटन दिख रहा है इंस्पेक्शन का, इस पर क्लिक करेंगे और इस प्राइस पे आ जाएंगे। तो जैसे प्राइस पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अ होल प्राइस का आ गया डेटा। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, ये क्लास है हमारी। अगेन हम आ जाएंगे कोड पे और इस जगह पे इस क्लास को चेंज कर देंगे। तो अब ये हमारा आ गया प्राइस। तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस को हम सेल में भी डालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स, और यहाँ पर हम आएंगे आई प्लस 2, 2, यानी कि सेकेंड कॉलम में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी जो ऊपर हमने लिया है प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इक्वल देखिए यहाँ पे ही लगेगा, और प्रोडक्ट प्राइस डॉट इनर टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इतनी वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, वेब पेज से अगले आइटम पे जाना है। तो अगले आइटम पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माई वेब पेज डॉट पेरेंट विंडो डॉट स्क्रॉल बाई, यानी स्क्रॉल बाई 0 कामा, अब हम यहाँ पे कुछ एक नंबर दे देंगे 9999, अब जितना होगा उतना ये ले लेगा, ठीक है, इतना है नहीं इतना ले लेगा, हमें मैक्सिमम दे दिया है। फिर हम यहाँ पे करेंगे आई की वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट आई कर देंगे। देन इसके बाद हम सेट आई ई इक्वल नथिंग, जब हमारा काम हो गया तो हम यहाँ पर ब्राउजर को नथिंग कर देंगे, यानी सेट आई इक्वल नथिंग कर देंगे। अब पूरा जब काम हो जाएगा तो यहाँ पर एक हम मैसेज भी डाल देंगे, मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख देंगे डेटा इज लोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से डबल क्वोट्स में हम ये लिख देंगे और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें बटन पे कॉल करना है, एक्सेल सीट पे आके यहाँ पे बटन पे कॉल करना है। तो बटन कैसे लाएंगे, यहाँ पे आपको डेवलपर टैब एक दिख रहा है, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो आप यहीं पे राइट क्लिक करिएगा, कस्टमाइज रिबन पे आइएगा। जब कस्टमाइज रिबन पे आएंगे तो इस जगह पे आपको एक डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर ये टिक आपका नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरह डेवलपर टैब नहीं दिख रहा होगा।
जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपको ये डेवलपर टैब दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और उसका प्राइस चाहिए, तो एक बटन हमें चाहिए, तो डेवलपर टैब पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, सबसे ऊपर टॉप पे ये बटन हमारा दिख रहा है, इसको यहाँ पर हम ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, हम इसे इसी लोड वेबसाइट जो हमने फंक्शन बनाया था, यानी कि जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था सब रूटीन के साथ में, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये बटन आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसे एडिट टेक्स्ट कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे लोड डेटा, या कुछ भी आप दे सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पे लोड डेटा दिया। अभी देखिए ये सीट बिल्कुल ब्लैंक है, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्राइस लिख के आ गया है। अब ये वेबसाइट को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को लाने लगा है। अब अगर यहाँ पे ये डेल इंस्ट्रॉन 3530 दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला देखिए आपको जो है डेल इंस्ट्रॉन 3530 ये देखिए ये आपको दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को लाता जा रहा है। और ये देखिए डेटा जो लोड हो गया तो यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट से डेटा को ला सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से वेबसाइट से डेटा आ रहा है। अब ये वेबसाइट डायरेक्टली कोड पे है, यानी कि अल्ट के साथ F11 दबाएंगे तो ये कोड आ रहा है। आप इसकी जगह पे सेल की वैल्यू के साथ भी इसे दे सकते हैं, यानी सेल में जो वैल्यू है उसके हिसाब से इसे रिप्लेस करा सकते हैं, या आप यहीं पे भी किसी भी ब्राउजर के जो भी वेबसाइट है उसका URL यहाँ पे पेस्ट करके चेंज करके अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आप बहुत तरीके का वेब का डेटा डायरेक्टली एक्सेल पर ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इसी तरीके के इंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।